जय श्री राधे। वेलकम टू रंग रूप कनक रंगेश्वर एंड रंगेश्वर। अगर आपकी हथेली में भी हृदय रेखा पूरी बनती है तो इसका क्या मतलब है? अगर आपकी हथेली में भी सूर्य के क्षेत्र में क्रॉस का चिन्ह है तो इसका क्या मतलब है? बुध पर सीधी खड़ी एक या उससे ज्यादा लकीरें हैं तो उसका क्या मतलब है? विवाह रेखा सीधी है या झुकी हुई है या एक से ज्यादा है तो उसका क्या मतलब है? इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जिसके संबंध में आज हम बात करेंगे। शुरुआत करेंगे हृदय रेखा से। जब भी आपकी हृदय रेखा जहां से निकलती है वहां से लेके, यानी कि बुध के क्षेत्र से लेके और आपके गुरु शनि के मध्य के अंतिम छोर तक चली जाए तो ये जीवन में स्थिरता लाने का काम करती है, स्टेबिलिटी देती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में संतोष से रहना जानते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी भी भेड़ चाल के शिकार नहीं होते। किसी भी चीज के लिए असंतुष्टि का भाव उस हद तक इनके जीवन में यहाँ पर नहीं होता। या ऐसी स्थिति जब आपके गुरु के क्षेत्र में जाए और गुरु का क्षेत्र भी यह प्रबल हो, ऐसी स्थिति में भी इसी प्रकार के सद्भावना की एक स्थिति, मानवता की एक स्थिति, साथ ही व्यक्ति के अंदर धार्मिकता की एक बेहतर स्थिति देखने को मिलती है। ऊपरी क्षेत्र में जाने के कुछ अन्य लाभ इस प्रकार के हैं कि व्यक्ति को परिवार का सहयोग यहाँ पर प्राप्त होता है, व्यक्ति के अंदर भावुकता होती है, व्यक्ति के अंदर सहजता होती है, व्यक्ति के अंदर सरलता होती है। ऐसी स्थिति में आपका जीवन स्टेबल होता है और अर्थ की प्राप्ति समय समय पर आपको हो रही होती है। आर्थिक तौर पे कोई बड़ा उठापटक आपके जीवन में यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि जिसके कारण आपके जीवन से एकाएक धन की बड़ी हानि हो जाए या बड़ा धन का आगमन हो जाए। सामान्य गति से जीवन आगे की तरफ बढ़ता है और जीवन में सुकून की स्थिति आपके लिए बनी रहती है। लेकिन इस मध्य क्षेत्र में अगर यहाँ पे गड्ढेदार स्थिति हो जाए, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल अंदर की तरफ धंसा हुआ क्षेत्र हो, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे पैसे खर्च होने की स्पीड आपकी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। जब भी ऐसी कोई स्थिति हो, ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे जो है भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और जहां तक हो सके झूठ न बोले और शाकाहार का पालन करें तो आपके लिए परिस्थितियां ज्यादा बेहतर होती चली जाएगी। इसके अलावा किसी के अगर सूर्य के क्षेत्र पर क्रॉस का चिन्ह है तो इसका क्या मतलब होता है? ये आपको बड़े रिस्क लेने से रोकता है। जीवन में जब भी कुछ बड़ा मूवमेंट आएगा या बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी वहां पर सोचने में व्यक्ति काफी समय गंवा देने का काम करता है और जो उसकी स्थिति बनी हुई है वहीं पर रहना वो पसंद करता है। जब बहुत ज्यादा उसे कहीं से प्रेशर मिले या जिस पर वो भरोसा करता है उन लोगों से सहयोग मिले तब जाके वो किसी चीज में रिस्क लेने का काम करता है या आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ऐसी स्थिति में एक और दिक्कत होती है, अपमान कई बार जीवन में व्यक्ति को ज्यादा देखने को मिलता है। व्यक्ति जितनी प्रतिष्ठा का हकदार होता है या सोचता है कि दूसरे से इतनी प्रशंसा मिलनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं आपको कम मिलती है, अप्रेजल मान ले या इज्जत मान ले, तो ऐसे योग यहाँ पर बनते हैं। साथ ही किस्मत का सहयोग जो है वो आपको कई बार कम देखने को मिलता है। आप जितना संघर्ष करते हैं उसके मुकाबले जो फल है वो आपको काफी देर से या काफी कम मात्रा में देखने को यहाँ पर मिलता है। अगर पर्वत क्षेत्र ये उभार के साथ यहाँ पर मौजूद है तो ऐसी स्थिति में ये समस्याएं कई बार आपके लिए बढ़ जाएगी, लेकिन वहीं पर गुरु का क्षेत्र प्रबल है तो ये होने पर भी उसका आंशिक प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपके शनि के क्षेत्र पर अगर सीधी खड़ी लकीर की स्थिति हो तो ये आपके लिए अच्छी है। यहाँ पर तिलक की स्थिति हो जाए फिर भी आपके लिए अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर क्रॉस का चिन्ह आ गया और खासकर इस क्षेत्र में जहाँ पे अगर गुरु का पर्वत क्षेत्र बाहर की तरफ शनि की तरफ झुका हुआ है तो ऐसे में आपके लिए परेशानी यहाँ पर बढ़ जाएगी। विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, मानसिक समस्याएं, आर्थिक समस्याओं को ये बढ़ाने का काम करेगा। किसी भी काम पर जो फोकस आप बनाए रखना चाहेंगे उसे नहीं रखने देगा। वहीं पर हृदय रेखा की लकीर नीचे की तरफ झुक जाने से भावुकता को बहुत ज्यादा बढ़ा देने का काम करेगा और आप अपनी असली शक्ति को महसूस कर पाने में कहीं ना कहीं असफल होंगे। इसके लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको पता चलेगा कि रियल में आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी शक्ति है। वहीं पर अगर गुरु के क्षेत्र से बाहर की तरफ रेखाएं बहुत तेजी से और बड़ी तीव्र गति से आवे तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के अंदर धार्मिकता गुण बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है और व्यक्ति इस क्षेत्र में काफी आगे तक जाने की कैपेसिटी यहाँ पे रखता है। इसके अलावा सूर्य के क्षेत्र में कई बार आप देखेंगे किसी भी खड़ी लकीरों की स्थिति बन गई है। जब भी ऐसी स्थिति हो, एक ग्रहण योगों को बढ़ावा देती है। ऐसी स्थिति में आपके जीवन में कुछ भी बेहतर होने में आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। कई बार आप एलिजिबल होते हुए भी उन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर सकते जो आपसे कम एलिजिबल लोग आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में आपको पारिवारिक समस्याएं भी कई बार देखने को मिलेगी और करियर के क्षेत्र में कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जब भी ऐसी स्थिति हो, पूरी हस्तरेखा के विश्लेषण के पश्चात
साथ ही किसी रेमेडी की उम्मीद करनी चाहिए और उसे अपनाना चाहिए, तब जाके आपको फायदे के यहाँ पे चांसेस बढ़ जाएंगे। सामान्य यहाँ पर अगर एक त्रिभुज के साथ ऊपर की तरफ लकीरों की स्थिति बनी हुई है, ये ठीक है, धीरे धीरे विकास करेगा, लेकिन अच्छा विकास करेगा। बड़ा रिस्क जीवन में कभी न लेवे, अन्यथा वहाँ पे नुकसान की होगा आपके लिए बन जाएंगे। बुध के क्षेत्र में सीधी खड़ी लकीरों का होना काफी अच्छा है। अगर ये आपकी जीवन रेखा से या भाग्य रेखा से जुड़ी हुई हो तो अपने कार्य क्षेत्र में आप काफी तरक्की को प्राप्त करेंगे, काफी बेहतर स्थिति आपके लिए बनती चली जाएगी, चाहे वो आयुष से संबंधित क्षेत्र हो, यानी कि खासकर अगर हम देखें तो मेडिसिन रिलेटेड जो भी क्षेत्र होता है, वकालत से संबंधित जो क्षेत्र होता है, एकेडमिक जो चीजें होती हैं या शेयर मार्केट रिलेटेड, इन सब में आपकी तीक्ष्णता को बढ़ाने का काम करेगा, आपके बुद्धि विवेक को बढ़ाने का काम करता है। एक से ज्यादा लकीर होने पर अर्धवगामी और ऊर्ध्वगामी के अनुसार इसके अनन्य फल और अन्य फल आपके जीवन में देखने को मिल सकते हैं। जब भी बात करेंगे विवाह रेखा की, सीधी खड़ी स्थिति एक सामान्य रेखा आपको ज्यादा बेहतर जीवन साथी की प्राप्ति कराने के योगों को स्पष्ट दिखाने का काम करते हैं। वहीं पर एक से ज्यादा रेखाओं की स्थिति कई बार जीवन में होने वाले आकर्षणों को भी दिखाने का काम करते हैं। एक बगल का झुकाव जीवन में आने वाले कई प्रकार के मनभेद और मतभेद की स्थिति को दिखाते हैं। ये जाके जब दो पार्ट में आगे चले जाते हैं, कई बार आपके लिए अलगाव की स्थिति भी यहाँ पर दिखाई दे सकती है। इसके अलावा कई बार पास रहते हुए भी दूर हो सकते हैं, या दूर होके भी रिश्ते में बने हुए हैं लेकिन दूर रहने की स्थिति को ये दिखाने का काम करता है। इसके अलावा निचले क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ पर अन्य कई सारी स्थितियां हैं जिससे आपको अवगत होना चाहिए। ये सब चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ पे संक्षेप में चीजें आपको बताई जा रही है कि सामान्य इसका प्रभाव क्या होता है। हर एक व्यक्ति की हस्तलिपि अलग होती है, उसकी जो प्रिंट होती है वो अलग होती है, और उसके प्रभाव सेम यहाँ पे ऐसा क्रॉस हो लेकिन यहाँ पे गुरु की स्थिति शुक्र की स्थिति अलग हो तो इसका प्रभाव बदल जाएगा। तो इसे सामान्य फल के रूप में ही माने, एग्जैक्ट आपके जीवन में भी वैसा होगा ऐसा नहीं समझना चाहिए। मस्तिष्क रेखा जब भी आपके सूर्य के क्षेत्र में आके उभार को दिखावे ये अत्यंत सुंदर है। शनि के क्षेत्र की तरफ से भी उभरती हुई जावे तो भी अच्छा है, चंद्र की तरफ झुकती चले जावे तो ये अच्छा नहीं है। ये मानसिक तौर पर आपके जीवन में काफी विघ्न बाधा को बनाने का काम करेगी। विपरीत लिंग की तरफ आपके एक गलत आकर्षण को भी दिखाने का काम करती है। साथ ही कुछ ऐसी मूर्खता आप अपने जीवन में कर लेंगे जिसके कारण बड़े नुकसान आपकी तरफ बढ़ते चले आएंगे। जब भी ये रेखा बीच में टूटी हो वो आपके जीवन का एक ब्रेकडाउन पीरियड होता है, जिस समय आपका जीवन काफी हिचकोले खाने का काम करेगा और अपने किसी विपरीत लिंगी साथी से संबंधित कोई समस्या आपके जीवन में आ सकती है। किस प्रकार से आएगी वो आपकी हथेली के अनुसार बताया जा सकता है। इसके अलावा आपके मंगल के क्षेत्र में जब भी प्रथम मंगल के मुकाबले दूसरा मंगल बहुत ज्यादा यहाँ पर उभरा हुआ हो तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को संभल के रहना चाहिए। बाहर जब भी कहीं, क्योंकि आप बाहर बहुत ज्यादा घूमना फिरना पसंद करेंगे, तो जब भी कहीं बाहर जाएं तो निश्चित तौर पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी अपने आसपास रखें, यानी कि संभल के चले, संभल के खाना खाए, नहीं तो विभिन्न प्रकार के रक्त संबंधित विकार और वायरल वगैरह जैसी चीजें आपके जीवन में आ सकती है। एक्सीडेंट वगैरह के वियोगों को भी बढ़ाने का यहाँ पर काम करता है। ऐसे व्यक्ति को काफी संभल के हर एक यात्रा में आगे बढ़ना चाहिए। आर्थिक तौर पे सही प्रबंधन के साथ खर्च को करना चाहिए, अन्यथा आर्थिक तौर पे बड़ी मुश्किलों को ये दिखाने का आपके लिए काम करता है। जब ये रेखा यहाँ पे बड़ी हो जाए और खासकर नीचे के क्षेत्र में, चंद्र के इस क्षेत्र में, तो यहाँ पर आपके विदेश यात्राओं में होने वाले अलग अलग समय में लाभों को भी दिखाने का काम करता है और यात्राओं को भी दिखाने का काम करता है। कितने क्षेत्र में कब तक जाएंगे, कितना करेंगे, आपकी हथेली के अनुसार चीजें स्पष्ट करती चली जाती है। इसके अलावा भाग्य रेखा जब भी आपके चंद्र के क्षेत्र से निकलती है, विपरीत लिंग की तरफ से आपके जीवन में फायदा होता है। इसके अलावा चंद्र से संबंधित कार्यों से भी आपके लिए लाभ के योग बनते हैं। आफ्टर मैरिज ऐसे जातकों के जीवन में ज्यादा बेहतर सफलता देखी गई है। दूसरे, अगर आपकी जीवन रेखा की बात करते हैं, यहाँ पर बिल्कुल सी आकार की स्थिति को ये दिखाने का काम करती है। तो ऐसे लोग अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहना पसंद करते हैं, यानी कि अपनों के साथ, अपने घर ग्राम और जहां भी उनका जन्म हुआ है वहां से, और वहीं से कुछ अपने जीवन में इतना बेहतर कर लेते हैं जिससे आर्थिक तौर पे संपन्नता को प्राप्त करने की स्थिति आ जाती है। माता पिता की सेवा करने में काफी आगे देखे गए हैं, लेकिन हर मामले में ऐसा नहीं होता क्योंकि इसकी स्थिति नीचे जाके कई बार बदल भी जाती है और चंद्र की स्थिति भी दिखाती है कि वो कितना ज्यादा अपने ऊपर कंट्रोल रख पाएंगे और कितनी ज्यादा उनके अंदर अस्थायित्व की स्थिति है, तो उस आधार पर फाइनल करें। इसके अलावा शुक्र के क्षेत्र में सीधी खड़ी रेखाओं की स्थिति के संबंध में हमने कई बार आपको बताया है, यहाँ का होना आपके लिए निश्चित तौर पर काफी अच्छा है। और यहाँ पे जब ऊपर से नीचे की तरफ रेखाएं बन जाती है
है, कुछ स्थिति में वो भी अच्छा होता है, लेकिन किस तरीके से प्रभावित करेगी इसके लिए थोड़ी डिटेल स्टडी में आपको जाना पड़ेगा। चंद्र के क्षेत्र में अगर नीचे से खड़ी रेखाओं की स्थिति बन जाए वो तो ठीक है, लेकिन साइड से अगर रेखाओं की स्थिति बने तो अच्छा नहीं है। आपका मन कभी भी आपके कंट्रोल से बाहर जा सकता है और आप किसी के बहकावे में आ सकते हैं, तो इसका हमेशा ध्यान रखें। इसके अलावा मध्य के क्षेत्र में बनने वाले जो भी त्रिभुज होंगे वो आपके लिए धन के योगों को बेहतर बनाने का काम करेंगे और जीवन में संपन्नता को लाने का काम स्पष्ट तौर पर करते हैं। जब भी आपकी भाग्य रेखा, जीवन रेखा और बुद्ध की रेखा एक साथ मिल जाए तो ऐसे लोगों को कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए और जो आपका गोल है, जो आप चाहते हैं, उस क्षेत्र में पूरी मेहनत के साथ आप आगे बढ़े, निश्चित तौर पर आपको सफलता यहाँ पर प्राप्त होगी। शुक्र का क्षेत्र यहाँ पे अच्छा होना चाहिए और गुरु का क्षेत्र अच्छा होना चाहिए, इसका ध्यान रखना। शनि सामान्य रूप से आप में अच्छा मिल ही जाएगा अगर यहाँ ऐसी स्थिति आप देखते हैं तो। चलिए मिलते हैं फिर कुछ और नई चीजों के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।